नमस्कार भाई लोगों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज के इस वीडियो के थ्रू मैं आपको होटल मैनेजमेंट के सबसे बड़े एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी कि NCHMCET JEE के बारे में बताऊंगा। और आप मेरा विश्वास रखिए कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कहीं पर भी जाकर के सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना तो किसी वेबसाइट के ऊपर, ना कोई दूसरा वीडियो देखने के लिए। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। देखिए, अगर कोई इंसान इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए सबसे बड़ा कॉलेज क्या होता है? IIT। अगर कोई मेडिकल की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए सबसे बड़ा कॉलेज क्या है? एम्स। अगर कोई MBA करना चाहता है तो उसके लिए सबसे बड़ा कॉलेज क्या है? IIMs। उसी तरह होटल मैनेजमेंट का सबसे बड़ा कॉलेज होता है IHM। IHM से बड़ा कॉलेज होटल मैनेजमेंट में नहीं होता है। तो IHM के अंदर में जाने का एकमात्र जरिया होता है ये NCHMCET JEE एग्जाम को क्लियर करना, जो कि ऑल इंडिया बेसिस पे होता है। तो मैं आपको इस वीडियो में इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन की सारी डिटेल्स दूंगा, पूरा XYZ। और अगर आपको इसको बिल्कुल ही अच्छे से लिख लेना है जो मैं नोट बताऊंगा आपको, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर के इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और नीचे स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। सबसे पहले तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये NCHMCET JEE होता क्या है। देखिए, NCHMCET JEE का फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी। ये बॉडी बेस्ड है नोएडा के अंदर में, और इसमें जो हमें डिग्री दी जाती है वो डिग्री दी जाती है इग्नू के थ्रू। इग्नू हम सबको पता है, विच इज़ इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ये बातें क्लियर होगी। 3 साल की डिग्री का को 3 साल की डिग्री होती है यहाँ पर, और उस डिग्री वो डिग्री हमें मिलती है BSc इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी। क्लियर हो गई, यहाँ तक बातें बिल्कुल क्लियर हो गई। अब देखिए, मुझसे बहुत सारे लोग कमेंट पे ये पूछते हैं कि ये कॉलेज कैसा है, ये कॉलेज कैसा है। मैं हर इंसान को यही बताता हूँ जो इंसान अभी गया नहीं है कहीं पे, मतलब, तो मैं उसको ये बोलता हूँ ट्राई फॉर IHM, ट्राई फॉर IHM। मतलब मैं क्यों IHM को प्रमोट करता हूँ? देखिए, कोई भी कॉलेज बड़ा या छोटा नहीं होता है, अल्टीमेटली ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे हैं एज अ स्टूडेंट। बट वाई डू आई प्रोमोट IHM ऑलवेज? देखिए, क्योंकि IHM जो है सबसे पहले तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज बॉडी है, तो यहाँ पर इन सब कॉलेजेस में फंड्स की कोई कमी नहीं होती है। तो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है बिल्कुल 5-स्टार स्टैंडर्ड का होता है। मतलब यहाँ के जो किचन होंगे, यहाँ के जो लैब्स होंगे, यहाँ का जो हाउसकीपिंग का सिस्टम होगा, या सर्विस के रेस्टोरेंट्स होंगे, ये सब बिल्कुल ही 5-स्टार के लेवल का होता है। तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। दूसरी चीज़ होती है ये कि यहाँ के जो टीचर्स होते हैं बड़े सर्टिफाइड होते हैं, बड़े प्रोफेशनल होते हैं और अच्छी सैलरीज पे रहते हैं, तो वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। एंड व्हेन यू आर बीइंग टॉट बाय अ मोटिवेटेड पर्सन, तो आपकी ज़िंदगी जो है बड़ी मोटिवेटेड चलती है। तीसरी चीज़ ये होती है कि IHM की डिग्री जो है वर्ल्ड वाइड वैल्यूबल है, आप इसके बाद कोई भी फर्दर स्टडीज़ कर सकते हैं। टाइमली सेशन होता है ऑल ओवर, ऑल अक्रॉस इंडिया एक सिलेबस होता है, तो बड़ा ही यूनिफॉर्म सिस्टम होता है। और आप कल को अपनी ट्रेनिंग में जा रहे हैं या इंटरव्यू में जा रहे हैं, अगर आप किसी IHM के स्टूडेंट हैं, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि मैं इस कॉलेज से आया हूँ या मैं उस कॉलेज से आया हूँ। दे नो दैट इफ़ यू आर फ्रॉम IHM, दे नो IHM इज़ यू नो अ रिकोगनाइज थिंग। तो इस IHM में जाने का एकमात्र रीज़न ये होता है, एकमात्र जरिया ये है कि आपको ये जो एग्ज़ाम है वो क्लियर करना पड़ेगा। मैं करूँगा कि आपको इस वीडियो में इस NCHMCET के बारे में बहुत सारी बारीकियां बताऊंगा, जो अब इसको प्लीज़ नोट डाउन करते रहिए। मैं बोलूंगा भी, मैं अपने इंस्टाग्राम पे भी डालूंगा और मैं स्क्रीन के साइड में भी लिखूंगा। तो प्लीज़ आप थोड़ा इंपॉर्टेंट डेट्स को थोड़ा ध्यान रखिए। मैंने अपना होमवर्क किया है तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसका एग्ज़ाम 2019 में कब होगा। तो इसका जो एग्ज़ाम है वो 28 अप्रैल 2019 को होगा। इसके जो फॉर्म है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों अवेलेबल हैं। ऑनलाइन NCHMCET के वेबसाइट पे होगा और ऑफलाइन किसी भी अच्छे खासे बुक स्टोर पर मिलेगा। फॉर्म का कॉस्ट है 800 रुपया जनरल और OBC कैटेगरीज के लिए, और SC और ST के लिए ये फॉर्म मिलेगा आपको 400 रुपये में। अब एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी में आपको 12th पास होना चाहिए, जस्ट पास, देर इज नो परसेंटेज हियर। आपको पास होना चाहिए विद इंग्लिश एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट। अगर आप अपने फाइनल ईयर में हैं 12th के, आप अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, स्टिल यू कैन गिव एग्जाम। ठीक है, डेट्स हो गया और एलिजिबिलिटी हो गई। अब हम तीसरे आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर, प्लीज़ इसको लिखिए इन सब डेट्स को। फॉर्म बिकना कब से शुरू होगा? फॉर्म बिकना शुरू होगा 24 दिसंबर 2018 से। 24/12/2018 द फॉर्म विल स्टार्ट सेलिंग, राइट। तो आपको उसके पहले खरीद, उसको उस टाइम से आपको खरीद लेना है। ये फॉर्म बिकना बंद कब होगा? 16 अप्रैल 2019 को ये फॉर्म बिकना बंद हो जाएगा। एग्जाम कब है फिर से मैं बताता हूँ आपको, 28 अप्रैल 2019, 28/4/2019। और इसका रिजल्ट कब आएगा? 21 मई 2019। ठीक है, 28 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम होगा और 21 मई को आपका आपका रिजल्ट आ जाएगा, मतलब एक महीने से पहले। और इसकी काउंसलिंग जो होगी वो 25 मई 2019 से लेकर के 4 जून 2019 तक इसकी काउंसलिंग चलेगी, जहां पर कि आपके ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से आपको अपना कॉलेज जो है वो चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, या तो आप अपना कॉलेज चूज़ करेंगे या रैंक वाइज आपको आपका कॉलेज दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न की, कि ये एग्जामिनेशन में कितने मार्क्स होते हैं, कैसे कैसे मार्किंग होता है। तो ये जो बॉस है, ये एग्ज़ाम होता है
200 क्वेश्चन का 200 क्वेश्चंस आपके आएंगे और हर क्वेश्चन के सही जवाब के आपको एक नंबर मिलेंगे, तो मैक्सिमम मार्क्स इज 200। और अगर आपने कोई गलत जवाब दिया तो आपके 0.25 नंबर जो है वो डिडक्ट हो जाएंगे, मतलब नेगेटिव मार्किंग है। तो आप जो भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन के चार आंसर, कौन बनेगा करोड़पति टाइप के, बट यहाँ पे लाइफ लाइन नहीं होगी, तो आपको एक क्वेश्चन के +1 मिलेंगे और अगर आपने गलत जवाब दिया तो -0.25 हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सोच समझ के इस एग्जाम को देना पड़ेगा। और इस एग्जाम के अंदर में सब्जेक्ट्स कौन कौन से होंगे सुनिए, न्यूमेरिकल एबिलिटी, एनालिटिकल एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एंड लॉजिकल डिल्यूजन्स, एप्टीट्यूड, करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज। ठीक है, तो ये 6 चीज़ों का सब्जेक्ट होगा। सिलेबस इसका मैं इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा, आप जाकर के मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर से इसका पूरा का पूरा सिलेबस NCHMCET का उठा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ एक बहुत अच्छी चीज़ कि आपको मैं कुछ बुक्स रिकमेंड करता हूँ अभी, कि ये सब बुक्स आप मार्केट से खरीदिए और उनसे आप तैयारी कीजिए तो आपका होने का चांसेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सबसे पहला बुक है स्टडी पैकेज होटल मैनेजमेंट एंड हॉस्पिटैलिटी एडमिनिस्ट्रेशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन बाय अरिहंत। मैं लिख भी दूंगा, मैं बोल रहा हूँ बट मैं लिख भी रहा हूँ, आप इसको पढ़िए और नोट डाउन कीजिए, अरिहंत का ये बुक है। दूसरा बुक है प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स आते हैं, ये RPH एडिटोरियल बोर्ड, RPH एडिटोरियल बोर्ड है ब्रांड, यहाँ से आपको प्रीवियस ईयर के सैम्पल पेपर मिलेंगे। होटल मैनेजमेंट जेई एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये किसका है, कॉस्मोस बुक हाइव। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं बता रहा हूँ आपको, ये सब नोट कीजिए अगर आपको एग्जाम निकालना है तो। होटल मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन गाइड, पॉपुलर मास्टर गाइड, अगेन बाय RPH एडिटोरियल बोर्ड, ये 4 बुक हो गए। और जनरल नॉलेज आपको मिलेंगे, जनरल नॉलेज आप खरीदिए मनोहर पांडे का। तो ये 5 बुक्स मैंने आपको रिकमेंड करी हैं, ये 5 बुक्स आप उठाइए मार्केट से, तैयारी कीजिए, अभी बहुत टाइम है। अभी आपका एग्ज़ाम कब है, एग्ज़ाम है 28 अप्रैल 2019 को, अभी चल रहा है दिसंबर, तो अभी आपके पास 5 महीने आप रगड़ दीजिए। अगर आपका अगर 1 to 500 के बीच में रैंक आ गया तो IHM पूसा, IHM चंडीगढ़, IHM बॉम्बे, मतलब खतरनाक खतरनाक कॉलेज आपको मिल सकता है, आपकी लाइफ जो है वो सेट हो सकती है। तो ये वीडियो था NCHMCET JEE के बारे में पूरा बताने का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, जो लड़के होटल मैनेजमेंट ऑलरेडी पढ़ रहे हैं प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपके जो एस्पिरेंट्स हॉस्पिटैलिटी प्रोफेशनल्स हैं उनको पता चले। जो नए लोग हैं उस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, ताकि लोग जो है वो रैंडमली जाके एग्जाम नहीं दें और वो कुछ पढ़ें पहले से, ताकि उनका एक अच्छा रैंक आए और उनका करियर जो है बढ़िया बना। मेरा नाम आनंद मिश्रा है, होप करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए और मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। टेक केयर गाइस, बाय बाय।